यूट्यूब देख रहे सारे वीरां भैणा भरावां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा वीर यादविंदर सिंह खोखर फार्म सिरीए वाला बठिंडा तो, और अक्सर ही आपां तुहाडे तुहाडी हाजरी विच आउणे अक्सर कोई नवीं चीज़ लैके। और अज भाई जी आपां इक वक्रे एक स्कूल विच आपां आए हुए हैं। ये स्कूल अपने जो मानसा अपना शहर है, मानसा शहर तो बाहर जी बरनाला बाईपास रोड है वो उपर यह स्कूल है, और इस स्कूल का नाँ है दी रेनेसेंस स्कूल। स्कूल का नाँ भी मतलब तुहानू सुन दे विच जां पढ़न दे विच इक वक्खरा जिहा लगू। रेनेसेंस एक जो लफज है, ये लफज दे विच एक बहुत वड्डा मीनिंग एक मतलब लुकया होया। रेनेसेंस मतलब कि रीबर्थ, कि तुहाडी किसी चीज़ नूं तुसी दुबारा रीजनरेट करके जां उहनूं तुसी उहदा पूर्ण जन्म जिवें आपां कह दिंदे आ। तो रेनेसेंस स्कूल एक इहो जिहा स्कूल है जो मालवीय दे इस एरिए दी एक बहुत वड्डी शान है। ICSE बोर्ड दा इह स्कूल है जी। और अज इस स्कूल दे विच आउण दे साडे दो मकसद सीगे। सब तो पहला साडा मकसद इह सी वी इस स्कूल दे विच एक बहुत वड्डा साइंस मेला लग्गिया होया। अक्सर ही स्कूलों दे विच साइंस मेले लगते हैं, और उहदे विच कोई 15 या 20 प्रोजेक्ट बच्चों ने बना के रखे होंगे अड अड क्लासिस के हिसाब नाल। ये तुसी देख सकते हो, असी तुहानू एक साइड तो शुरू जो मेले का साइंस मेला शुरू हुआ एक साइड तो तुहानू असी दिखाते हुए हुण स्टार्ट करांगे। तुसी देखोगे ये जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हुए कोई एक नहीं कोई दो नहीं, सौवां दी गिनती च प्रोजेक्ट बने हुए हैं। 400, 500, 600 प्रोजेक्ट बने हुण। और ये स्कूल का जो एफर्ट है ये एक एड्डा वड्डा एफर्ट इन्होंने किया होया कि मालवे एरिए दे विच असी पहला कदे भी इस तरह का एड्डा वड्डा एफर्ट है जिहड़ा वो नहीं किसी स्कूल का देखा भी किसी स्कूल ने एड्डा वड्डा एफर्ट किया हो और बच्चों नूं सिखाया होवे, बच्चों नूं कन्विंस किया होवे। आ जो सैक्शन तुसीं देख रहे जिथों असीं शुरू हो गए आर्ट सैक्शन, सब तो पहला आर्ट सैक्शन शुरू हो चुका है। तो इहदे विच तुसीं देख सकते हो भी बच्चों ने सारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट दे जो डिज़ाइन बनाए है, खाली अपनियां कंच दियां जो बोतलां होंदियां अपनियां उन्हां दे देखो किस तरह बच्चों ने सोहणे सोहणे डिज़ाइन बनाए। बच्चों बेटा की हाल है अगे, क्योंकि तुहानू ब्रीफ दे विच ही असीं दिखा सकांगे क्योंकि बहुत लंबी लाइन है जो ये साइंस मेले दे विच। ये सारा सैक्शन आर्ट का देख सकते हो, उपर पिछे दीवार के उपर बच्चों ने जो सीनरियां लाई हैं और हर एक दे विच कोई ना कोई मीनिंग छिपिया, कोई डबल फोटो बनी है, कोई नैचुरल ब्यूटी कोई दर्शा रहा है, और कोई समुंदर का सीन है, कोई रात का सीन दिखाया। और सारे सारे ये जो बच्चों ने खुद ये अपने हत्थां नाल ये कलाकृतियां बनाई हुई हैं। अगे आपां आर्ट दे विचों आर्ट सैक्शन चो अगे जाते हुए तो वह सामने स्पोर्ट्स का एक सैक्शन जो आ रहा है, और इतने इन्होंने टारगेटिंग भी बनाई हुई है जो आप तीर अंदाजी करते हैं उसका एक टारगेट भी इन्होंने बनाया हुआ। एथलैटिक इवेंट देखो जी, स्पोर्ट्स का सब तो पहला तुहाडा स्पोर्ट्स का शुरू हो चुका है। देखो जी ग्राउंड की एक डिजाइन दिता हुआ है ट्रैक का। ये बेटा जिहड़ा तुसी बनाया हुआ ही जिहड़ा लेओक है रेसलिंग का है। ये बेटा की गुड मॉर्निंग, एक तुहाडी कादा तुसी बनाया हुआ प्रोजेक्ट जिहड़ा ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਲੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये बेटा ट्रैक का स्केटिंग ट्रैक, और ये देखो ये तीरंदाजी, ये बेटा वर्किंग है चलता है, इनू निशानेबाजी कर दो, प्रैक्टिस चल रही है। तीर है लो जी, तुम देख सकते हो मतलब ये जो
तनोशा है, इनू आपां इधर हाई एंड भी पैक बहुत वधिया कार्बन फाइबर है, मेरे ख्याल दी कई हज़ार लखा रुपए दे विच इहदी कीमत होएगी। और मैं पहली बार देख रहा किसी स्कूल दे विच इदां दीआं चीज़ां डिस्प्ले ते लगियां होईआं। ये चलाने बेटा तुम अच्छा साहब का कितनी कॉस्ट है सर? ढाई लाख रुपए का सर। 2.5 लाख रुपया इधर साहब कोच साहब इन्होंने खड़े है, अपना वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर पानी आप अभी देख रहे थे स्कूल के बहुत वक्री मतलब चीज़ा देखने मिल रही हैं, मतलब इदा दीज़ा अभी भी पढ़ के एडे एडे हो गए स्कूलों पढ़े हैं, इंग्लिश स्कूलों से पढ़े बचपन तो, मतलब आह चीज़ा कभी देखिया नहीं। सर ये इंपोर्टेंट है बारहों की अमेरिका में। अच्छा जी, कोई ज़्यादातर मिलते वो अपने मणिपुर के रखा वजी हो। मतलब वीरो तुम देख सकते हैं भी मालवे के जोड़ा स्कूल है रेनेसेंस स्कूल है, मतलब ये एक तो एक चढ़ के तुम देखोगे मॉडल, एक तो एक चढ़ के जो तुम्हें देखने चीज़ा मिलनगियाँ, हॉस्पिटल का मॉडल है और हेल्थ पॉइंट हेल्दी पॉइंट ये सारा डाइट की जानकारी दे रहे हैं टीचर साहबान। और ये फ्लावर शॉप अगे असी निकलते हुए क्योंकि साढ़े को समा बहुत घट है। सत श्री अकाल जी। ये मैडम की मॉडल वाटर पोल्यूट कर रहे हैं जो आप रिगार्डिंग आप गल कर रहे हैं, बच्चों अवेयर भी कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूट ना करो और मतलब इन सेफ रखो क्योंकि फैक्ट्रीज आप डिमांड भी करिए जिम्मे पॉलिटिशन आने अपने को भी आप डिमांड करिए कि फर्स्ट नीड जो वाटर है अपनी जरूर संभालो भी साफ करने का भी कोई प्रबंध करो क्योंकि हाँ जी आप सड़क नालिया बारे तो गल कर लें कि सड़क साफ करो नालिया बनाओ साड़िया सड़क बनाओ है ना, बट जो वाटर है वाटर आप साफ करने लिए ना ही उन्होंने बचाने लिए कोई गल कर रहे हैं क्योंकि विजिबल नहीं है गंदा पानी सीवरेज चला गया। हाँ जी अपनी निगाह तो दूर हो गया जी, पर जिथे जाता उ नुकसान बहुत कर रहा। अपने को समुद्र आप समुद्रा की अपने को समुद्र ने गे दरिया ने एडे वे वे है ना, पर सारे दरियावान खराब कर रहे हैं। सतलुज दरिया अपना जेड़ा सप्लाई दिंदा है उन्होंने आप हिमाचल तो ही खराब करना स्टार्ट कर देंगे। म्यूजिक सैक्शन सारे म्यूजिक दे इंस्ट्रूमेंट, गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग, टोवल म्यूजिक दे सारे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए बच्चों ने तबला रखे हुए बच्चे ने और गिटार करो ट्राई बेटा की इंस्ट्रूमेंट है किदा चलता है साउंड जी पैदा कर रही है वो नीचे है कितने लगी हुई स्टील है अच्छा ये आवाज आ रही है स्टील से देखिए कई बार टीवी पर अज पहली बार अपन देख रहे सामने लोग वीरो ज़ाइलोफोन इंस्ट्रूमेंट है कितों का बेटा इंस्ट्रूमेंट है एक परकशन फॉर्म परशियन परकशन फॉर्म वेरी गुड बहुत अच्छे हारमोनीयम बेटा आता बजा तुम हारमोनीयम जिन्होंने हरमनी वाजा आप कह दें थोड़ी वीडियो बेटा आएगी यूट्यूब पर लोड हो रही है ये की है बेटा है ना मून माउथ ऑर्गन माउथ मेलोडिका ठीक है बहुत अच्छे ना पेश करांगे
अदरक आड़ू एकता ऐनक इमारत ईद ओ ओक औरत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल। वीरो तुसी देख सकते भी आम स्कूलों के जिवें पंजाबी जो कल्चर अपना उन्हों खत्म करते जा रहे हैं, पर एक अजिहा स्कूल है जिथे इन्होंने पंजाबी कल्चर नूं मुड़ तो जिउंदा करता है। पंजाबी कल्चर इन्होंने बच्चों ने दिखा दिता है, हर एक टेबल के उपर तुसी देख सकते हैं कि पंजाबी कल्चर नाल पंजाबी भाषा नाल संबंधित कोई ना कोई आइटम बच्चों ने पेश की है। नाम पड़नाम की होंगे है जां अपने जो लगा मात्रा की होंगे और निक्के निक्के बच्चे जो निक्कियां क्लासां दे आ देखो एक मॉडल कितना सोहना बच्चों ने पुरातन पिंड का दिखाया हुआ है। मतलब एक एक चीज़ देखने योग है तो इन्ना जिहड़ा एफर्ट है वो एक कोई निक्की जी गल नहीं, बच्चों ने एफर्ट इन्ना वड्डा कीता है। स्कूल के स्टाफ ने प्रिंसीपल ने मालकां ने स्कूल ने एड्डा वड्डा एफर्ट है। और हुण असीं इस तों अगे शिफ्ट करन जा रहे हैं साइंस सैक्शन दे विच। जिवें तुहानूं मैं पहलां भी जिक्र कीता जी, जो रेनेसेंस स्कूल मानसा जिले की एक शान है, ICSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और साढ़े नाल हुण जो इंसान तुसीं देख सकते हो परसनैलिटी खड़े ने साढ़े इस स्कूल के प्रिंसीपल सर ने। और असी जो साइंस सैक्शन की शुरुआत है इत्थे अपनी एरो मॉडलिंग की जो स्टाल है ये भी करांगे। तुसीं जानते हो भी आप पिछले 12-13 सालों तो आपां एरो मॉडलिंग का जो शौक है और स्कूलों के टैक्निकल कॉलेजों के आप आए हैं अपने मॉडल्स लैके डेमो दें बच्चों एजुकेशन दें। और प्रिंसीपल सर दे आप ज़्यादा समय नहीं 2 मिनट सर का टाइम लवेंगे कि किमें इन्होंने इन्ना एफर्ट किया किमें बच्चों कन्विंस किया सानू सर शॉर्ट के कुछ विचार थोड़े सामने चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया यादविंदर जी। पहला तो मैं थोड़ा तह दिलों धन्यवाद करदा तुसीं भी मैनू अपने चैनल के माध्यम राही एक अपने विचार रखन दा असीं किस भावना चो किस सोच चो ये साइंस मेला कराउण दा सोचिया प्लान किया। मेले दे विच तुसीं एक एरो मॉडलिंग का शो का हिस्सा बने इसलिए भी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये साइंस मेले का संकल्प है, मैं बेसिकली टीचर हाँ, मैं फिजिक्स टीचर हाँ, हुण मैं प्रिंसीपल की पोस्ट पर काम कर रहा। जो आपां देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम नूं देखिए खास तौर पर पंजाब नूं देखिए तां साइंटिफिक टैंपरामेंट जो बच्चों का अध्यापकों का होना चाहिए वो मनफी है। साइंटिफिक टैंपरामेंट का मतलब जदा आपां क्लासरूमां दे विच बच्चों नूं पढ़ाउणे आ कल्लियां टैक्सट बुक्स पढ़ाईया जा रही उहदे नाल बच्चों का साइंटिफिक टैंपरामेंट डिवेलप नहीं हुंदा। साइंटिफिक टैंपरामेंट डिवेलप करन दा मतलब यह है कि बच्चे सवाल करन लगन, छोटे छोटे सवाल करन लगन अपनी उम्र के हिसाब नाल, क्वेश्चन करन लगन हर गल ते वह उंगल रखन लगन कि यह किवें हो रहा है, जे इस तरीके हो रहा है इसनों असी इस तरह बदल दिए तो फिर की होगा। एक क्रिटिकल जिहड़ा एटीट्यूड है उन्हां च डिवेलप करन दे लई असी बच्चों अध्यापकों मोटीवेट किया। अध्यापक हर इंसान मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करदा ये समझदा साडी परपक्क सोच है इस गल च कि हर इंसान के अंदर एक चंगा इंसान वसदा हुंदा है उहनूं वो मौका ही नहीं मिलता। असीं वो मौका देने की कोशिश की है सारे साडे अध्यापकों नूं बच्चों ते इस साइंस मेले के दौरान जदों बच्चों ने अपने छोटे छोटे हत्थां नाल छोटे छोटे प्रोजैक्ट बनाए अपनी उम्र के हिसाब नाल तां उहनां नूं उस चीज़ की एक जो फीलिंग हुंदी है कि हाँ ये मैं बनाया तो मैं बना सकदा उन्हां जो आत्मविश्वास पैदा होना हुंदा वो बाकमाल हुंदा है। इस गल का कोई आपां होर अल्टरनेटिव बना ही नहीं सकते। इस गल नाल जदों बच्चों ने वह चीज़ा बनाउंदा है तो उसनूं जेकर कोई चीज़ होर कोई बंदा डैमेज कर दे तो उन्होंने दुख हुंदा कि मेरी चीज़ तोड़ती, इहदा मतलब उन्होंने अपनी मेहनत च विश्वास बनता है तो मेहनत की जिहड़ी कदर है वो करना भी बच्चे सीखते हैं। नहीं आम तौर पर बाजार खिडौणिया नाल भरे पे है, जदों असीं माँ प्यो बच्चों खिडौने बाजारों चो खरीद के लिया के दिंदे हैं तो उन्होंने ये अहसास ही नहीं बनता कि बनया किवें है तो इहदे च भी मेहनत भी लगी है तो इस करके वो मेहनत की कदर भी नहीं करते। जदों आपां अपने हत्थां नाल मेहनत करते हैं तो सानू मेहनत करन की जिहड़ी कदर है वह भी साढ़े जहन के अंदर एक वसदी है। फिर जो साढ़े जो सारी धरती
के उत्ते जो लहरा बहरा लगिया हुई हैं वो लेबर लगी हुई है, मजदूर ने, किसान ने, जिन्हें अपने को सब लोगों ने मेहनतकश लोगों ने हिस्सा पाया हुआ है, पर उन्होंने जी बेकदरी होंगी है वह बेकदरी क्यों होंगी है तो ये बच्चे भी सोचने लगनगे, क्योंकि जो खुद मेहनत करे उन्होंने अपनी मेहनत का एहसास होगा तो वह दूसरे लोगों की की मेहनत का भी उन्होंने एक कदर करन दा उन्हां दे अंदर जज्बा पैदा होगा। फिर आप जेकर समाजिक स्ट्रक्चर नूं देखदे आं कि साढ़े देश दे विच जनी जो मेहनत करन वाले लोग है वह दिन ब दिन गरीब होंदे जा रहे, लुट्टे जा रहे, कदर नहीं पै रही। इहदा इहदा कारण भी वह लभण की कोशिश करनगे कि इत्थे एक वड्डी समाजिक तब्दीली की भी लोड़ है तां जो हर इंसान भर पेट खाना खा सके, उन्हें रहने की छत भी मिले, उसके बच्चे चंगी पढ़ाई भी ले सकन, तो असी इस सोच नाल यह विज्ञान मेला प्लान किया ता जो बच्चों उन्होंने अंदर छुपया हुआ टैलेंट असी बाहर निकाल सकी, उन्होंने एक संवेदनशील इंसान बना सकी। ये साड़ी एक छोटी जी कोशिश है कि तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैं सारे पंजाब के जो अध्यापक ने, बच्चे ने, या होर कोई भी सूझवान इंसान ने, उन्होंने पुरजोर अपील है कि आओ आप सारे मिल के कुछ इत्थे चंगा सिरजन की कोशिश करिए। शुक्रिया, मेहरबानी जी बहुत। ये सर साढ़े प्रिंसीपल सर राकेश कुमार जी, फिजिक्स टीचर ने सर फिजिकली और उन्हें प्रिंसीपल ने स्कूल। मैं सर एक चीज़ होर नोट की थी कल जो अज तो पहला मैं कितने नोट नहीं की, बच्चों ने हर एक चीज़ में जो कोई फार्मूला कोई मैथ का भी फार्मूला है असं भी पढ़े हैं, असं उन्होंने कागज़ पेन न लिखण तक सीमित थे या उन्होंने रट्टा मार लिया। इतने बच्चों ने फार्मूले का एक फिजिकल रूप सानू बना के दिखाता, मतलब मैं देखा भी टोटल ही जिन्हें इतने स्टाला लगियां, चाहे वह कोई फाइनेंस का कोई या इकोनॉमिक्स का कोई प्रोजेक्ट है, कोई डिमांड सप्लाई का कोई प्रोजेक्ट दिखाना बच्चे ने, चाहे कोई मैथ का फार्मूला, वो हर एक चीज़ बच्चों ने उन्होंने फिजिकल रूप दे के देखने फटाफट एक अनपढ़ बंदे के दिमाग च भी पाया। बिल्कुल जी, जिमें कल एक मैं देखा भी एरिया कढ़ने का एक बच्चे ने तरीका दिखाया कि आप किसी खेत का एरिया कढ़ना है तो वह उन्होंने स्केयर बना बना के उत्थे रख के उपर आ बन गए जी स्केयर फुट, ये पांच स्केयर फुट बन गए, मतलब दिमाग चो गल बन जाती है अनपढ़ बंदे की, आप अनपढ़ बंदे समझा गए जी भी स्केयर फुट ए होंगे भी मीटर स्केयर कर दो फुट स्केयर कर दो, समझ नहीं होगी स्केयर का की मतलब। बिल्कुल यादविंदर जी, जिम्मे अपने को बच्चे आप कहने भी लंबाई किन्नी है तो वह कहें जी पांच, मतलब उसकी कोई यूनिट भी होंगी है, पांच मीटर, पांच सेंटीमीटर, किलोमीटर, आई एरिए दी, आई वॉल्यूम दी। ये जेकर बच्चे असर जो आप कही कि बेटे आ इंची ते चल खिड़की का एरिया करता, खिड़की की लंबाई लिखूगा पांच नाल मीटर लिखूगा, फिर अपने को सत्त नाल मीटर लिखूगा, फिर जो मल्टीप्लाई करूगा सत्त से पांच का मल्टीप्लाई करूगा करूगा नाल मीटर भी मल्टीप्लाई करूगा, वह प्रैक्टिकली इस गल नूं जानूगा कि मीटर स्केयर आया कितों, आया कितों दा मतलब। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलो लो जी, इत्थे भी जो एक लाइब्रेरी का तुसीं देख सकते हो बहुत छोटा जिहा मॉडल लाइब्रेरी का एक मॉडल बच्चों ने तैयार किया हुआ, और हुण थोड़ा जिहा असीं जल्दी जाते हुए बच्चों ने होर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे ने हिंदी भाषा के नाल संबंधित ये मॉडल ने, गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो बच्चो बैठो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो तुसीं मॉडल देख रहे हो ये सारे हिंदी, गुड मॉर्निंग, हिंदी भाषा नाल संबंधित है, गुड मॉर्निंग, बैठो बच्चो बैठो बैठो। और इस तरह हिंदी का सैक्शन सीगा जी, आ भी हिंदी का सैक्शन है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बैठो बैठो बैठो, वीडियो बन रही है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आर्टिकल्स ए इंग्लिश जो साड़ी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सैक्शन है बेटा, इंग्लिश ग्रामर सैक्शन है तुहाडा, गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज एंड लिटरेचर सैक्शन, प्रीफिक्स सफिक्स, जिवें आपां पंजाबी दे विच आपां कह दिंदे आ आपां अगे जिवें लाउणे, जिवें अगेतर पिछेतर होंदे, अगेतर पिछेतर लाउणे, इंग्लिश दे विच प्रीफिक्स सफिक्स होंदे आ जी, जिवें अनमैंड हो गया, जिवें जां रीअपीयर हो गया,
एक्सट्रा एक्सट्रा ऑर्डनरी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इस तरह ये सारे जिन्हों आप अगेत्र क्षेत्र कहने पंजाबी